देखिए भारत के लिए गौरव की बात है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। 2014 में जो उन्होंने संकल्प लिया था पहली बार सरकार बनने के बाद, आज रेल के बजट में भी 8 गुना बढ़ावा हुआ है और साथ साथ ये रेल के इतिहास में इतनी बड़ी राशि, दुनिया के अंदर सारे देश आज भारत का अनुकरण कर रहे हैं कि किस प्रकार से आज वंदे भारत एक्सप्रेस का 25 वंदे भारत एक्सप्रेस पहले से चल रहे थे, आज 9 वंदे भारत एक्सप्रेस का जो बिहार के आज पटना से शुभारंभ हुआ, ये बिहार की भगवान श्री राम की प्रथम कर्मभूमि बिहार से ये यात्रा शुरू हुई है। सबकी यात्रा सुखल हो, सुखमय हो, सफल हो। और सबसे बड़ी बात कि आज आपने देखा कि वंदे भारत एक्सप्रेस में यहाँ से चलने वाले और यहाँ से विशेष रूप से जो उसके ड्राइवर थे और जो गार्ड थे वो महिला थी। ये नारी शक्ति विधेयक का एक जीता जागता उदाहरण इस रेलवे के द्वारा भी परिलक्षित हो रहा। तो रेल के इतिहास में सबसे बड़ी बात, आज यहाँ के बहुत सारे मंत्री और जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले भी मुख्यमंत्री रहे थे कई, वो रेल मंत्री भी रहे थे, बता रहे उनका मन इतना छोटा कि रेल के आमंत्रण के बावजूद भी उनको भारत के विकास से चिढ़, इस देश और राज्य के विकास से चिढ़ है। इस राज्य की जनता अगर भारत के इस वंदे भारत एक्सप्रेस से हावड़ा जाएंगे उससे चिढ़ है कि मुख्यमंत्री यहाँ आमंत्रण के बावजूद भी, रेलवे के आमंत्रण के बावजूद भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये बिहार के लिए शर्म की बात है और ऐसे मुख्यमंत्री को अब निश्चित रूप में ये विकास से नहीं, ये विकसित भारत का एक जीता जागता, ये ट्रेन विकसित भारत का एक उदाहरण, और आज उनको विकसित भारत से अगर चीड़ है तो निश्चित रूप से अब उनको लाठी पिलावन, तेल पिलावन, ऐसे लोगों के गोद में बैठ करके और बिहार को और देश को कलंकित कर रहे हैं। अभी यहाँ अरे एक मिनट यार जी, सिंगल ले रहे यार, एक मिनट को रूल करो। सीएम को इनवाइट किया गया था यहाँ पर नहीं आके, इसी वक्त अभी 10 नंबर आवास पर लालू जी से मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से केंद्र की इस योजना को निग्लेक्ट किया जा रहा है, आप ये मानते हैं नीतीश कुमार? अरे मैंने क्या कहा, पूर्व मंत्री रेल के कोई ईडी का छापा पड़ रहा है, सीबीआई का छापा पड़ रहा, अब उनको बचाने के चक्कर में उन्हीं के कालखंड में और उन्हीं के द्वारा, वही नीतीश जी के लोगों के और नीतीश जी के द्वारा उनको जेल भेजने का पहली तैयारी हुई थी, और फिर उसी के भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ करके आज बिहार का एक बहुत ही सौगात मिला था, बिहारवासियों को एक बहुत बड़ा सौगात मिला था। भगवान राम की ये प्रथम कर्मभूमि बिहार रहा है, भारत रहा है, ये जहाँ तारिका का वध हुआ था, यही बक्सर सिद्धाश्रम जहाँ से मैं आता हूँ, ये गौतम बुद्ध और महावीर का बिहार है, चाणक्य और चंद्रगुप्त का बिहार है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये पहला बिहार, पहला राष्ट्रपति, उस बिहार के साथ ऐसी शर्मीली बात करते हो। बिहार के इस कार्यक्रम में, इस पटना के राजधानी के इस कार्यक्रम में आने का फुर्सत नहीं, और गपशप और गुपचुप करने का उनको फुर्सत है, इसलिए ये विकास नहीं, ये विनाशी तत्वों के हाथ में बिक गए हैं, और अब उनका अंतिम भी होगा। वो जो चाहते हैं इंडी, ये उनका घमंडिया गठबंधन जो इंडिया, INDIA इंडी, ये कभी भी देश के प्रधानमंत्री का सपना, इनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही बना रहेगा। अब तो इनको सीधे रसातल में जाना है, अब सीधे रसातल में जाए। एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल, डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी, उन्होंने कल कहा है कि जिस दिन भी इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम का नाम उम्मीदवार की घोषणा होगी वो नीतीश कुमार का नाम होगा, इसके लेकर बात भी हो गई है सारी पार्टी। अच्छा, कान खोल करके सुनिए, पहले तो ये होगा नहीं, और होगा तो बिहार से तो पहले जमानत जब्त उनका पहले होगा, अगर हिम्मत है तो बिहार से लड़के दिखा दो, कहीं से जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। और ये 24 के 24 जो सीट है, ये 40 के 40 सीट बिहार के, ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के झोले में जाएगा। फिर से भारत का प्रधानमंत्री, देश का प्रधान सेवक, जो जनता के लिए, भारत के लिए रक्षा, भारत की रक्षा और भारत को विकसित भारत बनाने में दुनिया में जहां G20 के द्वारा देश का सम्मान बढ़ाया, ऐसे प्रधानमंत्री को ही लोग चुनेंगे। ये नकली लोग घूमते रहेंगे और इनका स्थान पाताल में और बगल में बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी में दिखाई पड़ेगा।